गगन दमामा बाजियो परियो निशाने काओ खेत जो माडियो सूरमा अब जूझन को दाओ सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संसार में कई लोग ऐसे सोचते हैं कि अहिंसा ही परमो धर्म है, सबसे ऊंची अवस्था है। कई बार तो लोग किंतु परंतु भी कर देते हैं कि गुरुओं ने लड़ाइयां क्यों लड़ी, पंचवी पातशाही तन तन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी तक तो सभी गुरु बहुत ही शांत हुए हैं जिन्होंने धर्म का पाठ पढ़ाया, शांति का पाठ पढ़ाया। परंतु छेवी पातशाही से लेकर आगे जितने भी गुरु हुए हैं सभी ने युद्ध लड़े या युद्ध लड़ने की शिक्षा दी। गुरु हरकिशन साहब जी की अगर हम बात करें तो वे तो 8 साल की उम्र में ही गुरुगद्दी गुरु तेग बहादुर साहब जी को सौंपकर संसार से चले गए थे। ऐसा कहना ठीक तो नहीं है कि संसार से चले गए थे, क्योंकि वे तो अभी भी हमारे साथ हैं, हमारे बीच में हैं और हमें सही राह बताकर हमेशा से ही उपदेश देते आते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि गुरुओं ने लड़ाइयाँ क्यों लड़ी, ऐसा करना क्या ठीक था, अब इन मूर्खों को क्या बताएं कि संसार में यदि उन मूर्खों की बहनों की इज्जत लुट रही हो उनके सामने और ऐसे मूर्ख आंखें खोलकर योग करते रहेंगे और खुद की जान बचा लेंगे और कहेंगे कि गुरुओं ने की युद्ध किया। ऐसे मूर्ख नरकों में जाते हैं जो गुरुओं पे ही उंगलियां उठाते हैं। उस वक्त वो जमाना था कि जब हिंदुओं की लड़कियों की बच्चियों की सरेआम इज्जत लुट रही थी, टके टके में उन्हें बेचा जाता था और हिंदू बेचारे कुछ नहीं कर पाते थे। कई बार तो ऐसा होता कि वो बच्चियां अपनी इज्जत उठवा कर जब घर को लौटती तो उनके बाप और भाई उन्हें ठुकरा देते और यहाँ तक कि इतिहास गवाह है कि उन्हें घर पर भी नहीं लेते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके इज्जत लुट चुकी थी। इस तरह का हिंदुस्तान का माहौल था, इस तरह के लोगों के विचार थे। गुरु साहब जी आगे आए, हिंदुओं की जानें बचाई, बच्चियों की इज्जत बचाई और आज कुछ बेवकूफ लोग गुरुओं पे ही उंगलियां उठाते हैं किंतु परंतु करते हैं। इसी प्रकार अगर हम देखें
तो मुगलों के शासन में इस्लाम धर्म कायम रहा, हिंदुस्तान को नरक बना दिया गया था, सरेआम हिंदुओं की बच्चियों की इज्जत नीलाम हुआ करती थी, बिकती थी, लुटती थी, और वहीं पर गुरु के सिख, गुरु के प्यारे, गुरु के सिख उन बच्चियों की इज्जत बचाते, हिंदुओं का जन्म बचाते, उनकी लाज बचाते। मुस्लिम धर्म देश में पूरी तरह कायम हो चुका था और जबरन ही हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जा रहा था, उनके घरबार लूटे जा रहे थे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा लूटी जा रही थी। ऐसे मौके पर गुरु और गुरु के सिंह सभी आगे आए थे और उन्होंने आकर हिंदुस्तान की लाज बचाई। आज भी हम देखते हैं कि कई कट्टरवादी हिंदू आज भी सिखों के खिलाफ हैं, जो कि गुरु के वक्त पर भी थे। जहां पर मुस्लिम हिंदुओं की इज्जत लूट रहे थे, घर बार लूट रहे थे, वहां पर हिंदुओं को चाहिए था कि वो एकजुट होकर लड़े ताकि उनकी बच्चियों की इज्जत बच सके और हिंदू धर्म आगे भी हिंदुस्तान में कामयाब रह सके, कायम रह सके। परंतु होता कुछ और था। कई हिंदू राजा ही गुरु के खिलाफ लड़ते थे, मुगलों का उन्होंने साथ दिया। इसी कारणवश देखा गया है कि हिंदुस्तान में पहले मुगलों ने हजारों साल तक शासन किया और आगे चलकर अंग्रेज आ गए, उन्होंने शासन किया। इसका कारण यही था कि हिंदू कभी एक नहीं हो सके। अगर वो राजा छोटे छोटे जो थे या बड़े बड़े राजा थे, वो अगर एकजुट होकर मुगलों के खिलाफ लड़ते, तो क्या आप सोचते हैं कि मुगलों में इतनी हिम्मत थी कि वो आकर हिंदुस्तान को कब्जा कर सके और हिंदुओं को मुस्लिम बना सके? आज जो भी हम हिंदुस्तान में मुस्लिम देखते हैं, वे बेचारे वही मुस्लिम हैं जिन्हें कभी मुगलों ने जबरन ही हिंदुओं से मुस्लिम बना दिया था और हम कुछ ना कर पाए थे। हुआ यूं कि पहाड़ी राजे जिन्हें कभी गुरुओं का साथ देना चाहिए था, परंतु वे सिखों के साथ ही लड़ते रहे। उन्होंने हमेशा से ही मुगलों का साथ दिया और सिखों का विरोध किया, जबकि गुरु और सिख हमेशा से ही हिंदुओं के साथ थे और उन्होंने निभाया भी। गुरु कभी और सिख कभी किसी जात पात में नहीं मानते, किसी धर्म में नहीं मानते। जो भी धर्म, जो भी व्यक्ति अच्छा काम करता है, प्रभु के साथ जुड़ता है, गुरु उनके साथ होते हैं। परंतु जो व्यक्ति भले ही वो किसी भी धर्म का हो, यदि वो मानवता के खिलाफ है, प्रभु के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है, तो उन दोस्तों का अंत करना, उन दुष्टों को सोचना, उन्हें मारना गुरुओं का फर्ज बनता है और सिखों का भी फर्ज बनता है। जहाँ पर पहाड़ी राजे जो कि हिंदू ही थे, परंतु उन्होंने सिखों के साथ वैर किया, यहाँ तक कि गुरुओं के साथ भी वैर किया, गुरुओं ने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी, कभी वो
किसी स्त्री के लिए नहीं थी या फिर किसी जमीन जायदाद के लिए नहीं थी और ना ही माया के लिए, पैसे के लिए थी, धन दौलत के लिए थी। वो लड़ाइयाँ तो थी दुष्टों को सोचने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए, बुराई का अंत करने के लिए। इसी प्रकार कहते हैं कहनूर का राजा भीमचंद और कई राजे ऐसे थे जो कि पहाड़ी राजा थे, उन्होंने सिखों का विरोध किया, गुरुओं के साथ में लड़ पड़े। राजा केसरीचंद जिसने बड़ी सभा में, बाईतार के राजा में सभा में कसम खाई थी कि वो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का अंत करेंगे, उनका शीश धड़ से अलग कर देंगे। इस प्रकार की उस मूर्ख ने कसम खाई थी, प्रण लिया था। अब इन मूर्खों को हम समझाए कि गुरु गोविंद सिंह महाराज जी तो सृष्टि के मालिक हैं, कर्ता धर्ता हैं, वे चाहते तो एक पल में दुष्टों का अंत कर सकते थे, धरती को उल्टा कर सकते थे, परंतु नहीं। जैसा उस पिता परमेश्वर का भाना था, जैसा होना था, उन्होंने वैसा ही किया। कहते हैं गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को एक खबर मिली कि केसरीचंद पहाड़ी राजा किला लोहगढ़ में कब्जा करना चाहता है और कहनूर का राजा भीमचंद सिखों का अंत करना चाहता है और इन बाई तार के पहाड़ी राजाओं ने एक तरकीब बनाई है। वे चाहते हैं कि किले लोहगढ़ पर उन्हें कब्जा कर लें और कब्जा करने के लिए उन्होंने ये सोचा है कि एक बहुत बड़े हाथी को शराब पिलाकर किला लोहगढ़ का दरवाज़ा तोड़ा जाए और अंदर बैठे सभी सिखों पर हमला कर दिया जाए और किले पर कब्जा कर दिया जाए। जब ये बात गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने सुनी कि किले लोहगढ़ पर 157,000 की फौज पहाड़ी राजाओं की हमला करने आ रही है, वो भी एक मस्त हाथी को लेकर शराब पिलाकर, तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने कहा कि उनके हाथी के साथ हमारा हाथी लड़ेगा। दरबार में बैठे सभी सोच विचार करने लगे, सभी सोच में पड़ गए कि हमारा ऐसा कौन सा हाथी है जो शराबी हाथी के साथ लड़ेगा। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने कहा कि हमारा हाथी होगा दुनीचंद, भाई दुनीचंद। ये दुनीचंद वही है जो कि भाई सालोची का पोतरा था। भाई सालोची कहते हैं जब अमृतसर का सरोवर बन रहा था तो लाची बेरी के पेड़ के नीचे बैठकर भाई सालोची सरोवर बनवाया करते थे, कार सेवा करवाया करते थे। उन्हीं का पोतरा था भाई दुनीचंद। पर भाई दुनीचंद जो था वो अंदर से खोखला था,
वो गुरु को तो मानता था पर गुरु की नहीं मानता था, वो नासमझ था, गुरु की कभी मानता नहीं था, गुरु के उपदेश को कभी समझता ही नहीं। गुरु जो कहते हैं उसकी विपरीत ही करता था। जिस प्रकार गुरु कहते हैं सिखों को कि अमृत वेला संभाला करो, वाणी के साथ जुड़ा करो, सेवा किया करो, परंतु कुछ मनुख होते हैं जो सिर्फ गुरु घर में आकर अहंकार करते हैं, सेवा के नाम पर छल कपट करते हैं। उसी प्रकार का व्यक्ति था ये दुनीचंद। दुनीचंद को जैसे ही पता चला कि गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने कहा है कि उस मस्त शराबी हाथी के साथ हमारा हाथी दुनीचंद लड़ेगा, दुनीचंद घबरा गया। भाई वो तो शराब पिया हुआ मस्त हाथी होगा और मैं तो एक इंसान हूँ, एक मनुख हूँ, मैं एक हाथी तो नहीं हूँ जो कि एक मस्त हाथी के साथ लड़ गया है। सिखों ने दुनीचंद को बहुत समझाया कि भाई गुरु के वचन को अटल मानो, तुम नहीं लड़ोगे, गुरु के वचन लड़ेंगे, उस हाथी के साथ, उस शराब पिए हुए मस्त हाथी के साथ लड़ेंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना, करने वाला तो वो पिता परमेश्वर आप है, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं होता। कुछ मनुष्य सोचते हैं कि मैं सेवा कर रहा हूं, मैं कथा कर रहा हूं, मैं वाणी पढ़ता हूं। नहीं भाई, हमारे में इतनी क्या समर्था कि हम कथा कर सकें या कथा सुन भी सकें या सेवा कर सकें। ये तो वो पिता परमेश्वर की आप खेल होता है, वो जिस पर बख्शीश करते हैं, जिस पर कृपा करते हैं, वही कथा सुन सकता है, वही सेवा कर सकता है, वही बांधने के साथ जुड़ सकता है। नहीं तो संसार में आप देखते ही हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जो आज टीवी देख रहे होंगे इस वक्त बैठकर, परंतु गुरु साहब जी ने हमें समर्था बख्शी है, हम पर कृपा की है, हम पर बख्शीश की है कि हम कथा सुन सकें, कीर्तन सुन सकें, बाणी के साथ जुड़ सकें, सेवा कर सकें। ये सब गुरु की ही कृपा है, गुरु की ही बख्शीश है। इसे कभी ये नहीं समझना कि मैं करता हूँ। जहाँ पर इंसान की अहंकार आ जाता है, हौमे आ जाती है कि भाई मैं कर रहा हूँ, मैं ना करूँगा तो कौन करेगा, गुरुद्वारा से कैसे चलेगा। नहीं भाई, जब मनुख अहंकार करता है, हौमे में रहता है, तो प्रभु उसके गुणों को चितारते नहीं बल्कि उसका बुरा हो जाता है, उसकी सेवा नष्ट हो जाती है। गुरु की कृपा, गुरु की बख्शीशें उस व्यक्ति को कभी प्राप्त नहीं होती जो व्यक्ति अहंकार में जीता है। तो सिखों ने दुनीचंद को बहुत समझाया कि भाई तुम्हें लड़ना नहीं है, गुरु के वचनों के अनुसार चलना है। गुरु के वचन ही इतने महान हैं कि वो शराबी हाथी गुरु के वचनों के आगे टिक ही नहीं सकता। गुरु चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, परंतु यह मूर्ख दुनीचंद समझा नहीं, बूझा नहीं, काया बनकर रह गया, डोल गया। उसने सोचा कि मैं एक दुर्बल सा व्यक्ति, एक शराब पिया हुआ मस्त हाथी के साथ कैसे लड़ सकता हूँ। कहते हैं ऐसा सोचकर कि मैं नहीं लड़ पाऊंगा, कि गुरु को तो
पहाड़ी राजाओं के साथ सुलह कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक मस्त हाथी के साथ कौन लड़ सकता है जिसने शराब पी हो। वो तो सारे सिखों को कुछ ही पल में उधाड़ फेंकेगा, किले का दरवाजा तोड़ देगा, और पहाड़ी राजे तो कुछ ही क्षणों में किले लोहगढ़ पर कब्जा कर लेंगे। गुरु को भी हार मान लेनी चाहिए। इस तरह का विचार वो बेवकूफ दुनिचंद कर रहा था। और कहते हैं ऐसे विचार को मन में रखकर वहां से दौड़ गया, भाग गया। उसने सोचा कि अब तो लोहगढ़ का किला गुरु के हाथों से चला जाएगा, मैं भी मर जाऊंगा, इससे अच्छा तो यह है कि मैं यहाँ से दौड़ जाऊं। और कहते हैं दुनिचंद रातों रात दीवार फांद कर दौड़ने की कोशिश कर रहा था। कहते हैं कि जब दुनिचंद दीवार से कूद रहा था दौड़ने के लिए, वो वहीं पर गिर गया और कहते हैं उसकी हड्डियां टूट गई। उपरांत कहते हैं दुनिचंद के परिवार वालों ने दुनिचंद को उठाकर अमृतसर ले गए और वहीं उसकी मृत्यु हो गई थी। उपरांत भरे दरबार में गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने वचन कर दिए। जब उन्होंने सुना कि दुनिचंद भाग चुका है दीवार फांद कर, तो गुरु साहब जी ने कहा कि अब वो शराब पिए हुए मस्त हाथी के साथ हमारा शेर लड़ेगा। अब दरबार में बैठे फिर से सिख संगत सोच विचार में पड़ गए कि अब हमारा शेर कौन होगा जो उस मस्त हाथी के साथ लड़ेगा जिसने शराब पी हुई है। तो कहते हैं दरबार में बैठे हुए एक दुबले पतले से बंदे ने, जिसका नाम इतिहास में भाई बिचित्तर सिंह आया है, वो खड़ा हुआ। जैसे ही वो खड़ा होने लगा, उसके दोस्तों ने सिखों ने उसके चोले को पकड़ लिया कि भाई तू कहाँ खड़ा हो रहा है, गुरु ने तो शेर की बात की है और तू तो दुबला पतला से इंसान है, तू क्या लड़ेगा। कुछ इतिहासकारों ने यह भी कहा है कि भाई बिचित्तर सिंह गुरु का पहरेदार था, जहां गुरु गोविंद सिंह महाराज विश्राम किया करते थे। भाई बिचित्तर सिंह पहरेदार था और पहरा देता था, कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है। खैर, भाई बिचित्तर सिंह दरबार में आगे आया और कहते हैं भाई बिचित्तर सिंह ने हाथ जोड़कर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के चरणों में बेनती की कि हे सच्चे बादशाह, मैं आपके वचनों के अनुसार चलूंगा, आप मेरे सर पर हाथ रखें तो ये शराब पिया हुआ मस्त हाथी क्या चीज है, मैं तो स्वर्ग में बैठे राजा इंद्र के जो ऐरावत हाथी है उसको भी उछाल के फेंक दूंगा, परंतु मैं नहीं, वो आपकी कृपा से होगा। जब आपका हाथ मेरे सर पर होगा, आपकी बख्शिशें आपकी रहमतें मेरे सर पर होगी, तो ये हाथी क्या चीज है, मैं तो इसको चींटी समझता हूँ और मसल कर रख दूंगा। ये वचन करने आसान तो थे, परंतु वो हाथी शराब पिया हुआ मस्त हाथी था। परंतु कहते हैं जो मनुख गुरु के वचनों के अनुसार चलता है, गुरु की मानता है, तो ये हाथी क्या चीज है। ये निंदक और दुष्ट जो होते हैं उनके तो मुंह काले होते ही हैं। जिस प्रकार गुरु अर्जन देव जी धनासी राग में ये फरमाते हैं
निंदक के मुख काले कीने, जन का आप सहाई। साचा साहिब हुआ रखवाला, राख लिए कंठ लाए। निर्भो पाए सदा सुख माने, नानक हर गुण गाए। ये हाथी क्या चीज है? दरअसल जो मनुख गुरु के वचनों के अनुसार चलते हैं, गुरु पर भरोसा रखते हैं, गुरु उसकी आप पैज रखते हैं, जिस प्रकार गुरु अर्जुन देव जी महाराज श्री राग में ये फरमाते हैं, तेरे परोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया, पुले चुके बारिक तू हर पिता माया। जो इंसान गुरु पर भरोसा करता है, गुरु के मत के अनुसार चलता है, गुरु उसके अंग संग सहाय होता है, उसकी आप पै जगता है, आप ला जगता है, आप सहाय होता है। और ऐसे मनमुख केसरीचंद जैसे मनमुख पहाड़ी राजे जिन्हें कभी गुरु का संग करना चाहिए था, ऐसे मनमुखों की हमेशा हार होती है। जिस प्रकार गुरु अमरदास साहब जी 16 राग में कहते हैं, माया ममता मोहनी जिन विन दंता जग खाया, मनमुख खाते गुरमुख उभरे जिन्नी सच नाम चितलाया। बिन नावे जग कमला फिरे, गुरमुख नदरी आया। ये मनमुख लोग जो गुरु के कहे अनुसार नहीं चलते, उनकी तो हमेशा से ही हार होती है, उनका तो हमेशा से ही मुँह काला होता है। तो इसी प्रकार कहते हैं बिचित्तर सिंह जी आगे आए और उन्होंने गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के हाथों से थपड़ा लिया और उसकी शक्तियां और बढ़ गई। जिस मनुख के सर पर, जिस मनुख के कंधे पर गुरु हाथ रखते हैं, उस व्यक्ति को कौन हरा सकता है? जिस प्रकार आपने महाभारत में देखा कि दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण की सारी सेना ले ली थी, और जबकि भगवान श्री कृष्ण के पास सिर्फ 5 पांडव थे, 5 पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण को ले लिया था अपनी तरफ, और दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण की सारी सेना दे दी थी, और आखिर जीत किसकी हुई? प्रभु की, सच्चाई की। भले ही इंसान के पास कितनी भी शक्तियां ही क्यों ना हो, परंतु जिस व्यक्ति के पास प्रभु का आशीर्वाद होता है, प्रभु के वचन होते हैं, प्रभु की कृपा होती है, उसकी हार कभी नहीं हो सकती। आज हम संसार में देखते हैं कि व्यक्ति ये सोचता है कि मैं छल कपट करके एक गुरसिख को, एक गुरमुख को हरा सकूंगा, परंतु वो ऐसा कभी नहीं कर पाता, क्योंकि मनमुखों के तो मुँह काले होते हैं यहाँ भी और भरे दरबार में भी। सच्चाई की हमेशा से ही जीत होती आई है। कई बार हम ये सोचते हैं कि गुरसिखों की तो शहीदियाँ हुई और मुगल ही जीते थे, परंतु आखिरकार दुष्टों का अंत हो गया था, मुगलों की हार हुई थी। सच्चाई की हमेशा जीत होती है, भले वो देश सवेर की क्यों ना हो। इसी प्रकार कहते हैं पहाड़ी राजे जंग के लिए तैयार हो रहे थे, उन्होंने हाथी को शराब पिला दी
और एक तरफ वो लोहगढ़ के किले को कब्जा करना चाहते थे, और राजा केसरीचंद ने तो कसम खाई थी कि वो गुरु को रंगे हाथों पकड़ लेंगे, जिंदा पकड़ेंगे। और होना तो वही था जो प्रभु की इच्छा होती है। भाई मनी सिंह जी, जो कि कभी दरबार साहिब हरिमंदर साहिब के हेड ग्रंथी रह चुके हैं, जिन्होंने अपने बंध कटवाए थे, उन्हीं के पुत्र थे, उन्हीं के बेटे थे भाई बिचित्तर सिंह जी और भाई उदय सिंह जी। तो भाई बिचित्तर सिंह जी को गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने ये सेवा सौंपी थी कि वो मस्त हाथी, शराब पिए हुए मस्त हाथी को मार गिराए, और वहीं पर भाई उदय सिंह जी को, जो कि कहते हैं कमांडर इन चीफ था, उन्हें ये सेवा सौंपी थी कि वो राजा केसरी सिंह को उसका गला काट कर ले आए, उसे मार गिराए। ये सेवा भाई उदय सिंह के हिस्से में आई थी। कहते हैं एक तरफ 157,000 की फौज थी पहाड़ी राजाओं की, और कोई एक तरफ गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की कुछ हज़ार की फौज थी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने, कहते हैं, अपने जहाँ उन्होंने शस्त्र रखे थे वहाँ से नेजा मंगवाया, बर्छा मंगवाया। वो बर्छा, वो नेजा जिसमें एक बांस की लकड़ी होती है, छन्नी होती है, उस बांस में, कहते हैं, तली भरी गई थी। वो बर्छा, वो नेजा उस वक्त, कहते हैं, 17,000 का था, जिसकी आज की कीमत 17 करोड़ से भी ज़्यादा है। पहली बात तो वो नेजा, इस प्रकार का नेजा आज के ज़माने में मिलेगा ही नहीं। वो नेजे, वो किरपाने, वो तलवारें जो उस वक्त बनाई जाती थी, वो आज कहीं देखने को ही नहीं मिलती। उन फौजों से जो सिख लड़ा करते थे, जिन दुष्टों के साथ लड़ा करते थे, सिखों के पास ऐसे ऐसे शस्त्र हुआ करते थे कि आज वो देखता बहुत ही मुश्किल है। कहते हैं ये बिचित्तर सिंह जी का बच्चा है, वो आज म्यूजियम में रखा गया है, और ऐसे शस्त्र आज बनते ही नहीं हैं जो कि फौलाद के हो और इतने जानदार हो। कहते तली एक धातु होता है, जैसे कि और धातु होते हैं, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, उसी प्रकार तली होता है। इस बांस में तली के धातु को भरा जाता है, जिससे वो बांस कभी टूटता नहीं है, मुड़ता नहीं है, और यदि मुड़ भी गया तो वो सीधा हो जाता है। और कहते हैं सांप के आकार का नागिनी बच्चा जो था, वो लोहे से बना हुआ था। कहते हैं ये लोहा बहुत ही जानदार था। इसी प्रकार गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने वो बर्छा भाई बिचित्तर सिंह जी को सौंपा, और गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने दूसरा बर्छा, कहते हैं, भाई उदय सिंह जी को सौंपा। कहते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने उदय सिंह जी को एक तलवार सौंपी थी और एक बर्छा सौंपा था। बर्छा राजे के सर को टांग कर लेकर आने के लिए, और तलवार, कृपाण
राज्य पर वार करने के लिए सौंपी थी। इसी प्रकार कहते हैं भाई बिचित्तर सिंह जी ने जयकारा लगाया, फतेह बुलाई और जंग के लिए रवाना हुए। भाई उदय सिंह जी भी घोड़े पर सवार हुए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अस्तबल से भाई उदय सिंह जी के लिए एक बहुत ही सुंदर घोड़ा मंगवाया था और उन्हें सौंपा, जिस घोड़े पर सवार होकर भाई उदय सिंह जी और भाई बिचित्तर सिंह जी, उन्हें भी घोड़ा सौंपा था। दोनों ही घोड़े पर सवार होकर सिखों के साथ जंग के लिए रवाना हुए। इसी प्रकार कहते हैं वहाँ पर किले लोहगढ़ के सामने बहुत ही बड़ा घमासान युद्ध हुआ। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि किले लोहगढ़ की जो दूरी है अनंतपुर साहिब से वो तकरीबन 1.5 किलोमीटर की है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज दमदमा साहिब में सबसे ऊंची चोटी पर बैठकर इस युद्ध को देख रहे थे दूर से। कहते हैं किले लोहगढ़ से और आनंदपुर साहिब जी से सिख गोलियों की बौछार कर रहे थे और वहां पर पहाड़ी राजा मर रहे थे, उनके बुरे हाल थे। सिखों ने पहाड़ी राजाओं की ईंट से ईंट बजा दी, उन्हें दांतों तले उंगलियां दबानी पड़े। बहुत बुरी तरह से वे हार रहे थे परंतु फिर भी वो आगे बढ़ रहे थे। जिस प्रकार वो पहाड़ी राजा और उनकी सेना थी वो पैसे के लिए, जमीन के लिए, किले के लिए लड़ रही थी, और जिस प्रकार गुरु के सिख थे वो गुरु के लिए लड़ रहे थे ताकि गुरु की खुशियाँ प्राप्त कर सकें। कहते हैं उस मस्त शराब पिए हुए हाथी पर राजा केसरीचंद ने 7 फौलाद के तवे बांधे हुए थे, परंतु भाई बिचित्तर सिंह ने घोड़े से कूदकर रकाब से पैर हटाकर घोड़े की काठी से कूदकर उछलकर, जैसे कि एक चीता एक शेर उछलता है और वार करता है, उसी प्रकार बर्छे से उस हाथी पर वार किया और कहते हैं उस तवे को चूर कर, उस तवे को चीर कर बर्छा हाथी पर जा धसा और हाथी की वहीं पर मौत हो गई। हाथी के अंदर से माथे पर से खून की फव्वारे निकलने लगे। सिखों ने पहाड़ी राजाओं पर विजय प्राप्त कर ली। कहते हैं भाई उदय सिंह जी ने राजा केसरीचंद को उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, उसे मार गिराया अपनी तलवार से और बच्चे पर उसके शीश को, उसके सिर को धसा कर गुरु गोबिंद सिंह के चरणों में अर्पण कर दिया। इसी प्रकार राजा केसरीचंद भाईतार के राजे ये चाहते थे कि किले लोहगढ़ पर वो कब्जा कर ले, परंतु गुरु के सिख ऐसा उन्होंने करने नहीं दिया। नाथ सिंह, ईश्वर सिंह जो कि लोहगढ़ के जथेदार थे, उन्होंने भी बहुत ही अच्छे से युद्ध लड़ा और सिखों के समेत लोहगढ़ के किले को बचा लिया और राजा कभी लोहगढ़ के किले को कब्जा नहीं कर पाए। तो ऐसे थे भाई बिचित्तर सिंह जिन्होंने शराब पिए हुए मस्त हाथी के साथ वे लड़े, घबराए नहीं, डीडर होकर लड़े और लोहगढ़ के किले को राजा केसरीचंद को
कब्जा करने नहीं दिया। धन है भाई बिचित्तर सिंह, धन है भाई उदय सिंह और धन है गुरु के और सिंह। हमें इस कथा से सीख मिलती है कि हमें हमेशा निडर होकर लड़ना है, कभी पीछे नहीं हटना, गुरु के वचनों को मानना है और सिक्खी में कायम रहना है। कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की भूलें हो गई हैं। साथ संग बख्शन योग हो, भुला बख्शो और साथ संग अचीत बख्शो कि दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लग जाए, मुझे कभी 84 चुनिया न भोगनी पड़े, ऐसी साथ संगत असीस बख्शना। साथ संगत की कृपा से आज मेरे 100 दिन पूरे हुए हैं कथा करते हुए आप जी के चरणों में। मैं कुछ तकरीबन 3 साल से कथा कर रहा हूँ आपके चरणों में और 100 दिन आज मेरे पूरे हुए हैं। ये सभी साथ संगत के आशीर्वाद से, उनकी असीस से हुआ है और प्रबंधक संचरों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया स्टेज पर बैठकर कथा करने के लिए। साथ संगत का धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।